बच्चों आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 से, क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलन एंड जस्टिफाई। अब 30th टर्म ऑफ एपी, ऑफ द एपी 1074 इज 97 77 -77 और -87। भाई हमें 30th टर्म निकालनी, हमें एपी दे रखी, एपी हमारी क्या है भाई 10, फिर 7 है, फिर 4 है, ठीक है। तो हमारे ए, तो हमारे जो फर्स्ट टर्म होता है ए होता है, कितना है 10 है। अब डी हमें निकालना, डी क्या होता है a2 - a1, ए टू कितना है 7 है भाई 7, ओके -10 कितना हो जाएगा -3, हमें डी भी मिल गया हमें, ओके। अब हमें डी, एन हमें ऑलरेडी दे रखा, कितना दे रखा 30th टर्म निकालना हमें। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है a n माने लास्ट टर्म, a+n-1d, हमें ए एन निकालना, लास्ट टर्म निकालना। ए हमारा कितना है 10 है भाई, एन हमें कितना दे रखा 30 दे रखा है -1, ओके। डी हमारा कितना है -3। अब देखो ए एन हमें फाइंड आउट करना, 10 ऐसे रहेगा प्लस 30 में से 1 जाए कितना हुआ 29 इंटू -3 ये वाला। अब देखो ए एन इक्वल टू हमारा 10 + 3 9 = 27, ओके 3 2 = 6 और 2 कह रही थी कितना हो जाएगा 8 और ये माइनस है तो माइनस, ओके ए एन इक्वल टू 10 + -, क्या होता है -87। ए एन इक्वल टू 87 में से 10 जाएगा कितना बचेगा -77। तो हमारा क्या सी वाला हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। ऐसे हमारा नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट हमारा 11th टर्म निकालना भाई। ए पी हमारा क्या -3 -1/2 और 2, ओके okay, हमें ए पी जो हमारी है कितना है -3 -1/2 और 2। अब मुझे ए तो हमें मिल गया -3, जो फर्स्ट टर्म होता है ए होता है। अब मुझे डी निकालना, डी क्या होता है a2 - a1, ए टू हमारा कितना है -1/2 और माइनस, और ए टू कितना है ए वन कितना है -3। अब देखो -1 - - क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा भाई, -, देखो मल्टीप्लाई जब माइनस होता है +3, इसकी जगह 1 लगा दो, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आया 2 आया, 2 की टेबल 2 तक बोलो भाई 1 टाइम जाएगा इनटू ये वाला -1, ये प्लस है तो प्लस, 1 की टेबल 2 टाइम देखो 2 ही आएगा इनटू ये वाला 3, ओके। अब देखो -1 * 1 - 1 हो जाएगा प्लस 3 2 = 6/2, 6 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 5/2, इसका मतलब डी हमारा कितना आ गया 5/2 आ गया। अब हमें डी मिल गया, ओके। तो अब हमारा ए एन इक्वल टू क्या होता है a+n-1d, लास्ट ए एन मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। ए कितना है हमारा a-3 है भाई प्लस एन हमें कितना दे रखा 11 दे रखा, 11 टर्म का निकालना हमें क्वेश्चन में, हमें 11 दे रखा, ओके -1 और डी हमारा कितना निकला 5/2 निकला। अब देखो ए एन इक्वल टू -3 + 11 में से 1 गया 10 इंटू 5/2, 2 5 = 10 हो जाएगा, ओके कट जा रहा है। ए एन इक्वल टू -3 + 5 5 = 25 होता है, ठीक है। अब देखो ए एन इक्वल टू, ओके 25 में से 3 जाएगा बढ़ेगा कि प्लस है तो प्लस में आएगा 22, तो ए एन हमारा कितना आ गया 22 आ गया, ओके okay?